So this being practically the second lecture, but ideally the first lecture where we are starting some topic, I would say officially. ठीक, last time मैंने आपको इस subject का introduction दिया, I will start with that only. This subject is basically a mixture of two subjects, that is analog electronics and digital electronics, right? लेकिन to start with, digital electronics has only two logic levels, that is either 0 and 1. So understanding that, interpreting that becomes slightly easy for any student, and plus आपने अपने 12th class में भी वो पढ़ा है. ठीक बेटा, आप जरा फर्स्ट बेंच पे आएंगे और आप तीन यहाँ आएंगे और आप आगे बेंच पे आएंगे. ठीक है, हाँ दोनों बेंच एक सामने मंजूर के लिए. This side, preferably on this side, not on the left. This side. Which side, Vijay? So the topic is really complex today. Rather, we have started that at the number system. Number system. जिनके साथ eyes on board, please. I want you to be very cautious for just next 20 minutes. That's it. But absolutely eyes on board. Number system की जब हम बात करेंगे, we may have many type of number systems, but जिन number systems के साथ हम बात, I would say with which we will play in this class, they include first one. हमने क्या कहा था? This one. Number system. दूसरा हमने कहा था binary number system. Okay, third one was your octal number system, and fourth one which we will be doing is hexadecimal number system. Now I request any one of you who is today as a new student for me, जिसने पिछली क्लास नहीं दी है, I would recommend that you please know the notes of your classmates. इस number system में बेस आर क्या होती है और कितने डिजिट्स होते हैं वो हमने लिस्ट किया है. इसका आर, इसका आर, इसका आर एंड इसके डिजिट्स सब के हमने नोट डाउन किया, वो आपको नोट डाउन करना है एक पेज ऑन. ठीक है, सो वी ऑल आर ऑन द सेम पेज. बस इस चीज को समझो, ये बेस आर क्या होती है. फॉर अ डेसिमल नंबर सिस्टम द बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड आर इज इक्वल टू 10. सुना है वो तो यार, दसवां बना 8th वाज 10th प्लेस 100th प्लेस. Like that. So every next digit is multiplied by 10. So base is 10. This is one way of understanding it. When we come to binary, this base is equal to 2. Matlab, suppose for example, a binary number system mein, ye likhi jo zara ye naya. Agar main binary number system aur decimal number system ki baat karu, theek? Binary mein मैं जीरो लिखता हूं इस तरह से, डेसिमल में भी जीरो सेम, बिकॉज़ जीरो एंड नो सिंबल्स. देन व्हेन आई राइट 1, आई राइट 1 लाइक दिस. इन डेसिमल आल्सो 1 इज लाइक दिस, बट यू नो इन डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. एवरीवन इन वन वॉइस प्लीज. 10 डिजिट्स, राइट? इन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, डेसिमल की बेस ही क्या है याद रखने के लिए आपको, इसका लॉजिक है नहीं, दैट इज सेकंड बिफोर अस. उसका रीजन है इसकी बेस क्या है. बाइनरी में कितने डिजिट्स है? 2. उसकी बेस क्या है? 2. डू वी गेट द रिलेशन? जो नए हैं रिलेशन समझ आई? बाइनरी में दो ही डिजिट्स होते हैं 0 और 1. यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं. ऑक्टल की बेस है 8. तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसके दो है, बेस इसकी 2 है, सो दैट इज द रिलेशन बेसिकली. इसका मतलब अब अगर मुझे 1 से आगे चलना है, इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 0 एंड 1. गेट द पॉइंट? मतलब मुझे तो कैसे पॉइंट नाउ डिजिट से डेसिमल समझ, राइट?
कौशल से सारी तरह समझ के मुझे तरह कौशल समझ लीजिए फैन एनी वन फाइन सो अच्छे डेसिमल्स में दस डिजिट जीरो टू नाइन गो बैक तिथि रिप्रेजेंट करें मतलब अगर इलेवन रिप्रेजेंट करो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट वी टेक डिजिट्स लाइक वन एंड देन आई टेक फोर वन एंड फोर मेक इट फोर्टीन लॉजिकल मतलब इन डिजिट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ही डिफरेंट नंबर्स बाकी सारे बन जाते हैं हमें जितने भी बड़े नंबर्स आज कौन कब और लेना इन्हीं नौ डिजिट से बनेगा राइट लाइकवाइज व्हेन आई टॉक अबाउट बाइनरी आई विल यूज ओनली 0 एंड 1 एंड डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट ऑल द डिजिट्स ऑल द नंबर्स का ओके यू गॉट द पॉइंट नाउ 0 एंड 1 हमें समझ आ गया अब 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे 1 0 3 लिख रहे हैं 1 1 अब सारी कॉम्बिनेशन खत्म हो गई दो डिजिट्स में अब मुझे फोर लिखना है तो वन जीरो जीरो फाइव लिखना है वन जीरो वन सिक्स लिखना है वन वन जीरो सेवन लिखना है वन 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 सो इफ आई गो अहेड मैक्सिमम नंबर पॉसिबल विद थ्री डिजिट सेवन तक मैं जा सकता हूँ अगर मुझे सेवन से बियॉन्ड जाना है तो मुझे एक बिट और बढ़ानी पड़ेगी पहले इसको हम बोलते हैं वन बिट इसको भी वन बिट जब भी कोई जीरो या वन हम देखते हैं उसको हम बिट कहते हैं ये जरा लिख लो सर बिट बिट क्या होता है आपने लफ्ज में लिख लीजिए जीरो या वन दोनों को हम एक बिट कहते हैं मतलब इस तरह से जरा बताओ कि इस बिट का वैल्यू क्या है उस बिट का वैल्यू या हो सकता है जीरो या तो वन जब आठ बिट्स एक साथ मिलते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं याद रखना है दिस इज इंपॉर्टेंट लिख लो बिट होता है जीरो या वन व्हेन आई हैव एनी नंबर आई टेक सो मुझे चार होगी चार एट बिट्स इक्वल टू वन बाइट ठीक है एम्फसिस पाई पेन ड्राइव हो पेन ड्राइव की वजह से पता है किलोबाइट क्या होता है एमबीज क्या मेगाबाइट्स क्या होता है गीगाबाइट्स क्या होता है टेराबाइट्स क्या होता है राइट वी ऑल नो बिकॉज़ वी यूज कंप्यूटर्स ठीक सो पावर ऑफ 10 ये सारे अगर आप लिखेंगे 8 1 बाइट कितने बाइट मिलके 1 केबी बनाएंगे कितने केबी मिलके 1 एमबी बनाएंगे कितने एमबी मिलके 1 जीबी बनाएंगे और कितने जीबी मिलके 1 टीबी बनाएंगे ये आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा ये आपका एक असाइनमेंट है मेरे असाइनमेंट्स ऐसे ही होते हैं अक्सर मैं क्लास में ही आपको एक छोटा सा टॉपिक एक छोटा सा काम दे दूंगा वो आपका असाइनमेंट है फिर क्या होगा 10 दिन बाद 5 दिन बाद कभी भी रैंडमली एंड सेमेस्टर तक जो भी क्लास में प्रेजेंट होगा उसका असाइनमेंट चेक होगा एवेल्युएट होगा अब आप सोचेंगे अगर इस दिन कोई बच्चा नहीं आया उसका क्या होगा आपको जवाब दीजिए उसका क्या होगा जीरो मिलेगा उसका असाइनमेंट बट तो जेन्युइन नहीं है बच्चे को काम हो सकता है So, उसका सोल्यूशन ये है कि एनी वन ऑफ यू अगर आपको कुछ एब्सेंट रहना है किसी वजह से किसी लॉजिकल रीजन से यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड एक दिन पहले मुझे या तो सीआर से इन्फॉर्म करवाइए या खुद आप मेल कर सकते हैं माय ईमेल आईडी इज दिस ठीक है जी बेटा क्योंकि देखिए एब्सेंट वही रहेगा जिसका कुछ रीजन होगा जिसको बगैर रीजन एब्सेंट रहना है वो भी मुझे बोल दो सर मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा मुझे एक दिन का रेस्ट चाहिए कोई मसला नहीं बट आई नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये सिस्टम से बदलाव कि हाँ किसी भी दिन मूड किया ऐसे एब्सेंट नहीं रहे आई नीड प्रॉपर इंफॉर्मेशन वन डे बिफोर ठीक है या चलो टाइम तो सुबह एम को ज्यादा प्रेरित किया ठीक बट यू विल गिव मी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर आई एम नॉट कमिंग उससे क्या फायदा होगा उससे ये फायदा होगा अगर बाय चांस मैंने शेड्यूल किया है आज असाइनमेंट चेक कर रहा मैं आपको कल का दिन दे सकता हूँ ठीक है मैं क्या जोन में सुबह स्थान क्या है अगर आप क्लास के बाद मुझे इन्फॉर्म करोगे इसका मतलब आपको पता चल गया क्लास में असाइनमेंट चेक करने लगे असाइनमेंट में बना पाएगा चैलेंज राइट बट हैज टू बी नोटबुक पे ही एग्जैक्टली तभी तो मुझे पता चलेगा कि बच्चा फॉलो कर रहा है क्लास को जिस लेक्चर में मैंने ये कहा उसी लेक्चर में जाना शुरू होगा उसी लेक्चर की एंड उसी दिन बदल मेरा मकसद असली है कि आप उसी दिन उसी वक्त असाइनमेंट बनाओ ये दो दिन बाद वजह से असाइनमेंट पांच मिनट है कि नहीं आई वॉन्ट दिस आई वॉन्ट टू गेट द पेपर वेल अदर्स विल गो ब्रॉड
नेक्स्ट पॉइंट इज ये क्या है मान, ये क्या है टू टू ये नहीं, सो आई रिप्रेजेंट इट एज टू. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस फोर. सर फोर का भी जीरो होता है जी जी फोर का अगर जीरो होता है बेटा जीरो, क्योंकि जीरो मान ये है, ये अगर अगर मैं सब नंबर्स को तीन बिट्स से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम तीन बिट्स यूज कर रहा हूं. सो दिस इज लाइक दिस, एक्चुअली इट इज लाइक दिस. So this is, if I use 3 bits to represent 0, I will write 0, 0, 0. Now if I use 10 bits to write 0, how will I write? 10, 0. 0, 0, 0, 0. Anyway, it is 0. Because 10 lagao 0 ya 1000 lagao, koi farak? Padhe kare. Now if I write 1 using 5 bits, 1, 2, 3, 4, 5 bits. Ye 1, exactly right. अच्छा इस केस में एक और पॉइंट समझ लो, ठीक है अल्टाइज स्टेटर और बगल दो, ठीक है बेटा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया राइट. सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड 6. सो आई लाइक 5, 6 एंड 7. ये क्लास आपको समझ आ गई ना, आपके इस माइनर में लगभग अगर 20 में से मार्क्स है 16-17 आपके आ गए. अगर आपको ये क्लास समझ आ गई, मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ 17-15 से कम किसी के नहीं जिसको ये क्लास समझ आ गई आज की क्लास. जो ये क्लास मिस कर रहा है आई रिकमेंड की वीडियो देख लें, इसको समझे अच्छे से, रिवाइज भी करें, क्योंकि एमसी क्या गए सर, अगर आज गए हम तक कन्फ्यूजन सही क्लियर, नेक्स्ट क्लास में तैयार होते बे बेस समझ. सो टू एड ऑन एनीवे, सो दिस इज 7. नाउ असाइनमेंट फॉर यू इज, या फिर आपका बड़ा असाइनमेंट इसको तेरे छोड़िए, अगर ये असाइनमेंट दे देंगे तो कर देंगे. Now as I said, if I use 4 bits, ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 0, this is 8, 1 0 0 1, this is 9, 1 0 1 0. 1 0 1 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
ठीक है बेटा। ये हो गया डेसिमल। एक असाइनमेंट आपके लिए, इसकी राइट साइड में आप ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखेंगे, उसके राइट साइड में हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। कैन यू डू दिस? ऑक्टल इक्विवेलेंट तो 0 टू 7 को सेम ही आएगा, उसके बाद आपको लिखना है। इस तरह हेक्सा तो लगभग 0 टू 9 सेम आएगा, फिर उसके बाद देखना है क्या कैसे। हालांकि मैं बता दिया हूं ऑलरेडी, बस आपको लिखना है ऐसे। So, अगर आपके पेज में लेफ्ट साइड से ले रहा है तो लेफ्ट साइड से लीजिए, ठीक है। एंड मेरे पे वायर कॉन्फिडेंस टू इंटरचेंज नंबर्स। अब देखिए कुल मिला के हमें इस पहले दो तीन लेक्चर में यही काम करना है, और जो कंफ्यूजन कुछ बच्चों के जहन में होगा भी इस साइड, सर ये सेवन कैसे हम ऐसे लिखते हैं, राइट? सेवन क्यों हम वन 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 ही लिखते हैं, 1010 क्यों नहीं लिखते, राइट? है कंफ्यूजन। यही चीज ओपन अप करने के लिए हमारे नेक्स्ट दो लेक्चर लगेंगे, या एक लेक्चर जिसमें हम सीखेंगे यही कन्वर्शन ऑफ नंबर्स। ये लिखिए बेटा, ये जरा लिखो इसको सही से। नाउ Now, as I said, as we know about this now, what we'll be going through is conversions. That is the main topic, conversions. So, decimal to binary, decimal to octal, and decimal to hex conversion possible. Hai. Humne category A banayi, suppose.
where we will learn decimal to all other number system conversion कैसे करेंगे. So ये हमारे लिए एक thumb rule बनेगा और मेरी suggestion भी आपके लिए कि जब भी कुछ note making का बनाएं, try to categorize your notes or concepts in classes. एक group बनाया, उसमें एक general concept याद रखा, उस general concept के ऊपर दूसरा concept layer किया. उसे याद रखना भी और retrieve करना भी काफी आसान होगा. अच्छा ना, अक्सर प्रॉब्लम का सही एग्जाम्स में यार मैंने सारा पढ़ा था मगर मुझे दिख ही नहीं पाया. वजह है कि हमने प्रॉपर लेयर दिमाग में नहीं की होती. अगर भी इंसान सब ब्रेन इतना सोफिस्टिकेटेड बना, अगर कल के इवेंट्स ना ऐसा ये आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो गया, ये मेरा अपना एस्टिमेट है, मतलब जस्ट अ मोमेंट या ग्लिम्स ऑफ द आपके दिमाग में स्टोर हो गया. प्रॉब्लम बस ये है कि ये रिट्रीव आप सही तरह से नहीं कर पाते, वरना आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है. ऐसे ही आपको So you just write, you convert decimal number into any other, jaldi se thoda likho, you convert decimal number into any other number with base r, to convert a decimal number into any other number system with base, quickly phone upside down please, with base r, कॉमा नेक्स्ट लाइन में देखिए डिवाइड द इंटीजर पार्ट. नेक्स्ट लाइन में देखिए डिवाइड द इंटीजर पार्ट बाय द बेस आर रिपीटेडली. Divide the integer number या integer part by base r repeatedly until remainder is equal to zero. Until remainder is equal to zero. Simple, कुछ complex मत है. Comma करके या next line में लिखिए. Multiply the fractional part. So, बोला क्या था? Multiply the fractional part by base r. जी मैं बस दो मिनट दे दीजिए. बस क्लास कहाँ होगी? मैंने कहा था अर्ली आने के लिए, मुझे कुछ काम था. ठीक है. So multiply the fractional part by base r, ठीक, until the fractional part is equal to zero. Until the fractional part is equal to zero. ठीक है जी बेटा, इसकी एक एग्जाम्पल में जल्दी से दिखाता हूं. अंतर तक ये आपका जनरल रूल बन गया. आई वो नोट प्लीज, मैंने एग्जाम्पल ली है, मैं इसको फिर से लिखता हूं 29. ठीक है, मुझे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी. ओके, क्वेश्चन ये है कि डेसिमल नंबर 29 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. पहला सवाल आप सबसे, रिप्लाई इन वन वॉइस, बाइनरी की बेस क्या है? टू. एग्जैक्टली राइट. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिवाइड इट बाय 2. 42 वन सा, 2 फोर सा, 1 2 3 4. जो आपका रिमाइंडर आया
वो आप यहां साइड में लिख लेंगे। ठीक, देखिए 2 1 2, 2 4 8, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। क्या सही, इज एवरीबॉडी फॉलोइंग? लाइक वाइज 2 7 14, रिमाइंडर आपका 0 ही आ गया। 2 3 6, रिमाइंडर क्या है? 1 लिख लीजिए। नाउ 2 1 2, रिमाइंडर क्या है? 1 1। आज को तक हो गया तो 0 हो गया। नाउ 2 1 2, आई विल गो प्लीज। नाउ 2 1 2, व्हिच इज हायर देन दिस वैल्यू, सो आई विल गो विद 2 0 0, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। सर सर, इज दिस ओके? सो अब जो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है वो होगा ये, एग्जाम में आप डाउन टॉप नहीं लिखेंगे, ये मैं आपके लिए कहता हूं। देखिए आपकी लेवल इस टाइम बहुत कम है, आप जिंदगी में आगे आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो याद रखने के लिए बाइनरी कन्वर्शन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, डेसिमल टू एनी कन्वर्शन में नीचे से ऊपर जाना है फॉर इंटीजर पार्ट। सो टॉप डाउन टू टॉप इज 1 1 1 0 1 विल बी द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर 29। इज दैट ओके? यस सर। नाउ If I have to convert 29.625, this is your homework. Conversion of 29.625. You can use the concept of the class. You can, Yeah. Okay. Thank you very much. The proper thing would be convert this decimal number to binary. Teacher, is that okay? Yes. Sir. I want to see this on your notebooks tomorrow, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum.